नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूं एनसीईआरटी के स्पेशल लाइव फोन इन कार्यक्रम गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हेल्पलाइन। एग्जाम के समय काफी सारे प्रश्न हमारे मन में उमड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम स्ट्रेस को कैसे खत्म करें, किसी सब्जेक्ट में रुचि कैसे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए और साथ ही एग्जाम लिखते वक्त आलस्य को कैसे खत्म करें। अगर आपके भी इन विषय से जुड़े हुए कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पे, नंबर है 1800111265 अथवा 1800112199। और इसके अलावा आप हमें अपने प्रश्न हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं ciet.kishormanch@gmail.com। और साथ ही अगर आप अपने प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं YouTube चैनल के थ्रू तो हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है NCERT ऑफिशियल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारी एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर रुचि शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग NCERT। साथ ही उपस्थित है मिस संचिता सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ उपस्थित है मिस सुनीला, स्कूल काउंसलर, BGS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसे कि हमारी आज की थीम है ब्रीद आउट एग्जाम स्ट्रेस, तो अगर मैं बात करूं कि मेडिटेशन का बच्चों की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन, तो अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों की बात करें तो मेडिटेशन क्या रोल अदा करता है? सो डॉक्टर शुक्ला, अगर आप बताएं हमें। आपने जैसे इसको राइटली टाइटल किया है ब्रीद आउट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ईजिंग आउट योर ब्रेन इज यूटिलाइजिंग योर ब्रीदिंग पैटर्न। आप कभी ध्यान दीजिए, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आप जॉगिंग करते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता है? इन द सेम फैशन जब आप स्ट्रेस होने लगते हैं, अगर आप डीप ब्रेथ लीजिए जी, इनहेल करिए डीपली, एक्सहेल करिए डीपली, सो इट हेल्प्स यू योर नर्व्स टू काम डाउन एंड यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन टू काइंड ऑफ इग्नाइट योर माइंड। ओके, सो इसलिए ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं योग में, मेडिटेशन में, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। राइट संचिता, इज यू आर काइंड ऑफ एक्सपर्ट इन मेडिटेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस कि बच्चों के लिए, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान, मेडिटेशन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? जनरली जब भी बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं और बहुत फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते, वो अभी जो पढ़ रहे हैं उनका फोकस वहाँ नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे प्रश्न माँ पूछते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, याद नहीं रहता, तो मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चे प्रेजेंट में आ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं और उनकी मेमोरी भी शार्प होती है जब वो मेडिटेट करते हैं और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। राइट, मेडिटेशन करके ऐसी बहुत सारी रिसर्च में प्रूवन है कि मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी मेमोरी इन्हांस करते हैं, आपके स्लीप पैटर्न को बेटर करते हैं और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। और ऑल्सो जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारे दो ब्रेन हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, तो उनका जो लोब्स होते हैं ब्रेन में, जी हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन होता है, उसके कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं जी जब आप मेडिटेट करते हैं, तो दोनों जो ब्रेन्स है वो साथ में काम करते हैं, तो आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बढ़ जाता है। आपके ग्रे सेल्स ब्रेन के वो भी इंक्रीज होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जी। सुनीला जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मेडिटेशन और बच्चों की लाइफ? इससे पहले कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, चलिए जुड़ते हैं हमारी कॉलर से। नमस्कार, अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएं। हेलो जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कृपया करके आप अपने टेलीविजन की आवाज को कम कर लें। जी मैम। जी मैम, मेरा नाम प्रदीप। जी प्रदीप, आप कौन सी क्लास में हैं? मैम इंटरनेशनल जी। प्रदीप जी, जो कि इंटर में है, उनका एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे डॉक्टर रुचि? सबसे पहले तो अगर आपका कल इम्तहान है तो नाउ इज द टाइम टू क्लोज योर बुक्स एंड रिलैक्स। अपने ब्रेन को थोड़ा टाइम दीजिए कि वो अपने आप को एनर्जाइज करके इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर पाए। लास्ट मिनट की पढ़ाई अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है,
बिकॉज तब आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते अपने पास्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और इसमें एरर्स के चांसेस, पैनिक के चांसेस ज्यादा होते हैं. कहीं आपके कनेक्शंस नहीं बने या एकदम से आपको ऐसा लगा कि ये तो मुझे याद नहीं है, तो दैट वेज यू गेट पैनिक डाउट. उसमें आपका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक चला जाता है और आपके अंदर ये भावना आने लगती है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एंड टू हैव योर ब्रेन फंक्शन एट द मैक्सिमम स्पीड, अच्छा होता है कि एग्जाम के 6-8 घंटे पहले तो पढ़ाई छोड़ ही दी जाए. आई वुड सजेस्ट 12-15 घंटे भी कर सकते हैं. दैट वेज आपका ब्रेन इज गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू आर राइटिंग, मोर सॉर्टेड एंड लेस कंफ्यूज्ड. सो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा मेडिटेशन, योगा की बात हो ही रही है, अगर ये सब चीजें करेंगे तो और हेल्प करेंगे. सुनीला जी, यहाँ पे मैं प्रश्न लेना चाहूंगी हमारे एक व्यूअर का. गीता जी का प्रश्न है, डज मेडिटेशन हेल्प विद एग्जाम्स? डेफिनेटली यस. आपने देखा होगा कि जब हम रेडियो को चलाते हैं तो रेडियो में कितना साउंड आता है, कितना इधर उधर का नॉइज आता है, लेकिन जब हम उसको बहुत अच्छे से ट्यून कर लेते हैं तो उसमें कितनी क्लैरिटी आ जाती है. ऐसे ही एग्जैक्टली हमारी लाइफ में भी होता है. जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी रिविजन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहे हैं, बहुत सारा लोगों से मिल रहे हैं, बहुत मोबाइल यूज कर रहे हैं, जैसे कि आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा यूज करती है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हमें अपनी बॉडी को भी ट्यून करना पड़ता है. जब हम मेडिटेशन करते हैं सुबह उठ के, डेली 15 मिनट्स एटलीस्ट स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना ही चाहिए, तो हम डेफिनेटली बहुत काम और सॉर्टेड फील करते हैं. तो बिल्कुल डेफिनेटली मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जो कि आज की जनरेशन बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है. राइट. तो इसी के साथ मैं अगला प्रश्न लेती हूँ. जैस्मिन जी का प्रश्न आया है कि शी हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस, लेकिन इससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, शी इज गोइंग मैड. सो डॉक्टर रुचि, अगर आप बताते. जैस्मिन को मैं सिर्फ ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, और जब भी आपके कॉन्फिडेंस में आपको थोड़ी कमी लगे तो गो टू पीपल हु नो यू रियली वेल, हु हैव सीन यू स्लॉग थ्रू योर आवर्स ऑफ लेबर, दे विल पुट यू बैक ऑन ट्रैक. और जैसे कि अभी बात हो ही रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या एंग्जाइटी लग रही है, तो डू अ 15-20 मिनट सेशन ऑफ मेडिटेशन, सिट इन अ क्वाइट कॉर्नर विद अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर इन इट, एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट टुमारोज एग्जाम और द एग्जाम्स दैट आर कमिंग वो बहुत अच्छे से होंगे. अपने आप को पॉजिटिवली सेल्फ रीइन्फोर्स करिए, सो दैट हेल्प्स. आप वो खुद ही कह रही हैं कि उनका सब हो गया, सो शी इज वेल इन कमांड ऑफ एवरीथिंग, ऑल शी नीड्स इज अ लिटिल बिट ऑफ पेप टॉक. Go to your mother, go to your school teacher, and I'm sure you'll do very well in your exams. Right. और अगर इसी के साथ आगे बढ़े, रितिका, उपेंद्र एंड मेहर, इन सब का एक ही प्रश्न है कि they are kind of stressed during examination, so how they can calm their nerves? कुछ चीजें की बात हुई है, योग, मेडिटेशन helps. आपके जो फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स आपने अपने बोर्ड के ऊपर चिपकाया हुआ है, उसको रिविजिट करिए. जब आपको चीज़ें याद आएंगी, दिखाई देंगी कि दे आर देयर इन योर कॉग्निशन, सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट कि हाँ, मैंने तैयारी की है, मुझे चीज़ें पता है. वो कॉन्फिडेंस गोज टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी टू क्वाइट अ बिग एक्सटेंट. और अपने पियर ग्रुप से बात कर सकते हैं, उनके साथ टेक स्मॉल वॉक्स विद योर सिबलिंग्स हु हैव टेकन द एग्जाम. They will tell you that everything happens and happens well if you are well prepared. Right. So, छोटी छोटी चीजें do help. Sanchita, as a student, हमें भी याद होगा कि जब हम exam होने वाला होता है, जैसे कि next day exam है, तो हम ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए हैं, हम blank हो जाएंगे अगर हम exam में जाएंगे. तो अगर ये mostly सारे बच्चों की problem है, तो अगर आप इसका कुछ solution बता पाएं. ये बहुत natural है और हम सबको ही हमेशा ही feel होता है कि हम भूल जाएंगे सब कुछ. तो आपको याद करने हैं वो एक्सपीरियंसेस जब आपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और आप नहीं भूले थे. हमारे ब्रेन में ऐसे सिस्टम है कि आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपको याद आने लग जाती है इन्फॉर्मेशन. तो जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात अभी कर ही रहे थे, तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है. ओके, तो आई थिंक दैट ओके, यू कैन कंटिन्यू. या सो स्ट्रेस इतना नहीं लेना है कि वो हमारे दिमाग पे हावी हो जाए और हम ना परफॉर्म कर पाए. तो अगर आप काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो आपकी आप इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर पाएंगे. लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको याद नहीं आएगा. आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लर्न करिए, याद करिए जब आप कर पा रहे थे, तो इट विल हेल्प यू. जी, तो चलिए इसी के साथ जोड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से. नमस्कार, अपना नाम बताए. जी अंकिता. जी अंकिता, आप कौन सी क्लास में है? आप कौन सी क्लास में हैं अंकिता?
जी अपना प्रश्न बताएं। जी अंकिता जो कि क्लास 12th में है, उनका प्रश्न है लगातार पढ़ाई कर रही हैं तो अब उनको अभी भी पढ़ाई करनी चाहिए या रेस्ट लेना चाहिए? डॉक्टर रुचि देखिए, आप अगर 24 घंटे पढ़ाई करेंगे तो अगर आपको लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस होगी, नॉट नेसेसरी। यू हैव टू स्पैन आउट योर स्टडी टाइम एंड यू हैव टू डू इट एज पर अ टाइम टेबल, एज पर योर नीड। इन तीन चार चीज़ों का ख्याल रख के पढ़ाई करनी है। घंटे गिन के हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच। क्योंकि हम घंटे तो पूरे कर लेते हैं लेकिन जब हम घंटे पूरे करने बैठते हैं तो कभी कभी वी अगर रिफ्लेक्ट करें तो देखते हैं कि उन घंटों में हमने कितना अनकंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ टाइम किया है। तो अपनी नीड्स, अपने प्लान को हमेशा फोकस में रखिए। 6 से 8 घंटा फिलहाल आई थिंक इज इनफ फॉर इवन द बोर्ड एग्जाम्स, और अगर ये कंसिस्टेंटली करेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सुनीला जी, आपसे यहाँ पे एक मतलब इट्स माय ऑब्जर्वेशन कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, किताबों से तो पढ़ रहे हैं लेकिन अगर मान लीजिए अब उनका एग्जाम है मॉर्निंग में तो इवनिंग में दे विल स्टार्ट सर्चिंग ऑन फोन कि हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाए। तो क्या ये तरीका सही है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेच करना उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग? अकॉर्डिंग टू मी अगर उनको मोबाइल पे या गूगल पे कुछ सर्च करना है तो इसका टाइम लास्ट डे या ये समझ लीजिए कि लास्ट के 2-3 डेज तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक तो आपको ये नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है और वो ये भी भूल जाते हैं यूज करते करते मोबाइल फोन की कितनी देर से वो मोबाइल पे हैं जी। तो उनका ज्यादा क्वालिटी गेन नहीं कर पाते, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती उनकी जितना उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से उन्हें जो उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं रोज रिविजन के दौरान बार बार उनको रिवाइज करना चाहिए, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। राइट, एग्री। इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रियंका जी का प्रश्न है प्लीज सजेस्ट सम सॉल्यूशन फॉर स्लीपलेस नाइट्स व्हिच इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द स्टूडेंट्स। स्लीपलेस नाइट जनरली इसीलिए होती है क्योंकि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। हम जैसे बोलते ही आ रहे हैं कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं तो हमारे दिमाग में पूरे टाइम प्लानिंग चल रही है, या तो हम सोच रहे हैं कि हमने जो आज पढ़ाई की है वो मैं ठीक से रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा कि नहीं अपने एग्जामिनेशन में, या नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम कैसा होगा, रिजल्ट क्या होगा। सो देर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट वी हैव। तो इसका सलूशन ये हो सकता है कि बच्चा अपने लिख सकता है जो भी दिमाग में थॉट आ रहा है वो आप लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि कितने थॉट्स आ रहे हैं और मैं क्या सोचता जा रहा हूँ। तो यू कैन राइट। अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इज यू कैन टॉक टू समबडी कि दिमाग में क्या चल रहा है, तो जिससे आपके कथार्सिस होगा इन अ वे। और क्या कर सकते हैं, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप काउंटिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप लेते हैं देन यू कैन स्टार्ट काउंटिंग, देन योर ब्रेन विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द थॉट्स एंड आप काम डाउन होने लग जाएंगे। और आप ये कर सकते हैं कि यू कैन गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, यू कैन गो फॉर अ वॉक सो दैट यू आर स्ट्रेन्ड अप अ लिटिल फिजिकली, कि आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेन्ड अप हो गई है तो आपको नींद आ जाएगी। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट द चाइल्ड कैन डू। यस मिस सुनील। यस, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आजकल हमारी मोबाइल है। तो जब आप जानते हैं कि मैं आजकल स्टडीज करने के बाद 12 बजे सोता हूँ या 1 बजे सोता हूँ, या हो सकता है आप 10 बजे सोते हैं, या आपका अपना स्केड्यूल है, तो उससे पहले आप अपनी सारी डिवाइसेस ऑफ कर दीजिए। इनफैक्ट मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी सजेस्ट करती हूँ कि सोने से आधा घंटा पहले अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके कुछ लाइट इस तरीके की जलाएं कि उस तरीके से उनको फील होने लगता है कि नाउ आई एम फीलिंग वेरी सूदिंग। और इनफैक्ट कुछ लोग तो आजकल एक बहुत अच्छे डिवाइसेस आते हैं जिसमें कैम्फर रख के और एसेंशियल ऑयल डाल के, तो इट गिव्स यू अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग दैट आई एम नॉट स्ट्रेस्ड। और साथ ही मैं ये बोलूंगी कि रात के टाइम कैफीन को भी अवॉइड करें ताकि नींद टाइम पे जैसे कॉफी। यस, कॉफी को अवॉइड करें, कॉफी चाय। हाँ, और मैम लोग ने जैसे बताया दोनों एक्सपर्ट्स ने हमारे कि रेपिटेशन ऑफ समथिंग हेल्प्स योर ब्रेन काम डाउन, बिकॉज व्हेन यू आर रिपीटिंग समथिंग your brain doesn't have to work much. So either you can do counting, deep breathing, inhaling, talking to people, and as Sanchita rightly said, that try and avoid the use of media and strong stimulation right from 1 hour before your sleep. चाहे वो television के रूप में हो, mobile के रूप में हो, hard music के रूप में हो, ये सब चीजें avoid कीजिए।
जैसे और भी बताया गया है कि यू कैन डिम द लाइट्स ऑफ योर रूम, हल्का सा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लीजिए, वो आपके थॉट को कट करके दिमाग को सूथ करता है और आपको इन द प्रोसेस ऑफ स्लीप ले आता है. सो दी स्मॉल थिंग्स कैन गो अ लॉन्ग वे. और अपना एक स्लीपिंग टाइम फिक्स रखिए, कोशिश कीजिए कि वो फिक्स हो, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है वो ट्यून हो जाता है. तो दैट फैसिलिटेट्स इन योर स्लीपिंग. अगर एक दिन आप 9 सोएंगे, अगले दिन आप 11 सोएंगे, फिर दूसरे दिन आप 8 बजे सो जाएंगे, तो आपकी बॉडी को तो इफेक्टिवली पता ही नहीं है कि किस टाइम शी इट हैज टू स्टार्ट शटिंग डाउन. कंप्यूटर को भी शट डाउन करते हैं तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है. दैट टाइम इट विल टेक. एंड जब तक वो डिसाइडेड होगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस मोड में अपने आप आने लगती है. सो दैट हेल्प्स. यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो कि मेडिटेशन के बहुत सारे आउटकम्स मैंने कलेक्ट किए हैं. तो अगर मिस संचिता थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाएं. मेडिटेशन के जैसे हमने भी बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े और सुने अभी जी. तो जैसे लिखा है कि गाइडेड गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन जहाँ पे आप विजुअलाइज करते हैं कुछ अच्छा. जैसे हम बचपन से पहले ऐसा होता था कि हम लॉन्ग वॉक से जाते थे, हम नेचर को देखते थे. नेचर इज द वेरी गुड हीलर. आप जब ट्रीज को देखते हैं, आप फ्लावर्स को देखते हैं एंड आप नेचर को देखते हैं, तो आप अपने ऑटोमेटिकली आप काउंट डाउन होने लग जाते हैं. तो गाइडेड मेडिटेशन इज जहाँ पे आप विजुअलाइज करिए कुछ अच्छा जो आपको काम डाउन करे. तो यू कैन ले डाउन एंड यू कैन डिम द लाइट्स एंड यू कैन स्टार्ट इमेजिनिंग एनी प्लेस विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड हैज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. देयर आर ट्रीज एंड प्लांट्स एंड यू नो नेचर इज देयर एंड यू आर सिटिंग एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग गोइंग ऑन एट द बैकग्राउंड. इट विल सूद इन योर राइट. तो ये इंडिविजुअली अलग होगा कि कौन से जो विजुअलाइज आप बता रहे हैं कि विजुअलाइज करते हैं तो कहाँ पे उनको पीस मिलता है. सो इंडिविजुअली इंडिविजुअली इट विल वेरी. आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं दैट इज योर क्रिएटिविटी एंड वेयर एवर यू वांट टू सिट यू कैन सिट एंड ले डाउन एंड विजुअलाइज इट. सो दैट इज विजुअल गाइडेड मेडिटेशन. अनदर इज काइंडनेस. सो काइंडनेस इज जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने इमोशंस को जो है वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और आप दूसरे के भी दूसरों को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं. अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उनको रिकॉल करने लग जाते हैं. तो इन अ वे आप में पॉजिटिविटी आने लग जाती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना भी आ जाती है. राइट. सो दैट इज अनदर थिंग. अदर थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन. सो एज वी आर सेइंग दैट व्हेन यू मेडिटेट फॉर 5-10 मिनट्स तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आप जब मेडिटेट कर रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग यू आर सिटिंग फॉर सम टाइम. सो योर स्पैन इज इंक्रीजिंग ऑफ सिटिंग एंड जनरली एज वील टॉक मोर अबाउट मेडिटेशन. सो योर थाट्स डिक्रीजेज. आप थाटलेस होने लग जाते हैं. वेन यू डोंट हैव थाट्स वील टॉक अबाउट लेटर इन द सेशन. सो वेन यू आर थाटलेस यू डोंट हैव थाट्स एंड यू आर सिटिंग देन यू फील वेरी काम एंड यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेशन यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड विद इन. ओके. यू स्टार्ट गेटिंग इन साइड योर सेल्फ. तो हम पूरे टाइम हमारी जो अटेंशन है वो बाहर आउटसाइड रहती है, इसलिए हम परेशान रहते हैं, स्ट्रेस. व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग इन देन वी स्टार्ट गेटिंग काम. सो दैट इज अनदर थिंग. एंड देन इट इज सो देयर मंत्रास आल्सो दैट वी टेक. लाइक वी हैव हमने जैसे हम बचपन में भी लेते थे मंत्रास. सो मंत्रास जब हम लेते हैं तो हम उसको रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में वही थॉट्स कम होने लग जाते हैं. वी फील पॉजिटिव. सो ऑल दीज थिंग्स आर द So very well you have actually explained it. और इसी के साथ मैं अगला प्रश्न लेती हूँ. मीरा जी का प्रश्न है, I have already read up everything. I am sure I can solve each and every question in the exam, but is still not able to build up confidence. So Miss Suneela, आप इसका आंसर करना चाहेंगे? Actually इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज कुछ वेटेज दी गई है. अगर उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है तो उन्होंने जरूर अभी एग्जाम ये सैंपल पेपर्स भी ले लिए होंगे. तो उनको ये चाहिए कि या तो वो दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो चैप्टर वाइज रिवाइज करें और हर क्वेश्चन पे देखें कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं, या फिर वो ये कर सकते हैं कि सैंपल पेपर में से हर उस चैप्टर के रिवीजन शुरू कर दें. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी तो उसमें 3 चैप्टर्स आर देयर व्हिच हैव मैक्सिमम मार्क्स लाइक 10, 9 एंड 10. तो मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर उन्होंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है तो जिन सब उसकी चैप्टर्स की ज्यादा वेटेज है पहले उसे चेक करें कि मुझे ये कितना अच्छे से कवर है, क्योंकि उसका उन्हें ईच लाइन कवर करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं. तो इसी तरीके से उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ एक पीयर ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं. उसमें एक पीयर कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो देख सकते हैं कि हमें इसके आंसर आते हैं कि नहीं. जी.
तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि जो उन्होंने रिवीजन किया है इज इट राइट और नॉट राइट. डॉक्टर रुचि, यहाँ पे एक प्रश्न है नेहा जी का, हाउ टू हार्नेस नेगेटिव एनर्जीज इनटू समथिंग प्रोडक्टिव ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. देखिए, नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव थॉट्स जो हमको आते हैं उनको हार्नेस नहीं कर सकते, वी फर्स्ट हैव टू स्टॉप देम. एंड द मोमेंट यू स्टॉप देम और एफर्ट करिए कि पॉजिटिव थॉट्स आए, जैसे हैबिट्स होती है ना, यू फॉर्म गुड हैबिट्स. इन द सेम वे यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव. एंड इफ यू आर टूवर्ड्स द नेगेटिव कोर्स, तो आपको कोशिश करनी चाहिए पहले अपने आप को सजेस्ट कीजिए, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, जस्ट पुट अ बिग फुल स्टॉप टू इट कि मैं ऐसे नहीं सोचूंगी. धीरे धीरे वो नेगेटिव थॉट स्टॉप होंगे और आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट से इम्पावर कीजिए, सजेस्ट कीजिए, और ग्रेजुअली आपका माइंड ट्रेन होता है इन थिंकिंग और सीइंग द हाफ ग्लास फुल, और फिर वो आपकी हैबिट टेंडेंसीज में आ जाता है. Then you don't have to make an effort. So right. That's how you can do it. Yes, Ms. Sanchita. जैसे कि for example, जैसे उन्होंने कहा कि negative को कैसे harness करें positive में, जैसे कि एक negative हो सकता है अगर आप mobile पे बहुत ज़्यादा game खेल रहे हैं. So it's something which is negative that you are doing. Now how can you turn it into positive? You have certain goal in your life, like you want to become something or कि आपको कोई college में जाना है. तो आप उसी मोबाइल का जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हार्मफुल है आपके लिए, आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं कि आप देखें कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है या मुझे क्या बनना है, तो उसके लिए आप डिटेल्स निकालें उसके बारे में, एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्किल्स उसके बारे में देखें, या आप अपने फ्यूचर के बारे में ही सर्च. तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन चैनलाइज एंड बिकॉज यू हैव सर्टेन गोल इन योर लाइफ, सो दैट इज़ वन वे यू कैन डू. यहाँ पे फिर से मैं एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी. बच्चे क्या करते हैं, उनका बॉडी पॉस्चर बहुत चेंज होता है जब वो एग्ज़ाम लिखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. वो पहले बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, देन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनका बॉडी पॉस्चर ऐसा होता जाता है. तो इसका क्या इफेक्ट होता है, बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आई गेस कि स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है. सो डॉक्टर रुचि, आप बताना चाहेंगे? बॉडी पॉस्चर या आपका जो फिजिकल है दैट इज इंटरलिंक्ड टू योर कॉग्निटिव, आपके ब्रेन से लिंक्ड है. सो दे बोथ काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन ईच अदर. आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर बॉडी, एंड योर बॉडीज अलर्टनेस रिफ्लेक्ट्स इन द अलर्टनेस ऑफ योर ब्रेन. इसीलिए अक्सर सजेस्ट किया जाता है दैट वन शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट, एंड दैट वाइल स्टडिंग वन शुड मेंटेन और सिट इन अ चेयर दैट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल बट कंफर्टेबल इनफ टू कीप यू इन एन अलर्ट स्ट्रेट पोजिशन. तो वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करते हैं. द कॉग्निशन रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बॉडी एंड योर बॉडी रिफ्लेक्ट्स ऑन योर ब्रेन. तो अगर देखेंगे कि एग्जाम जब शुरू होता है तो बच्चा इज ऑल पेप्ड अप कि मेरा अब मैं पढ़ के आऊँ, मैं करूंगा, और धीरे धीरे जब वो एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करने लगता है, क्वेश्चंस देखने लगता है, आस पड़ोस में भी देखता है जिसने दो कॉपी भर दी, मेरा तो एक ही अभी भरी है, टाइम कितना बचा, वो मेरे पास अब एक ही घंटा बचा है, तो वो दैट स्लाइटली स्टार्ट्स टू गेट इनटू हिज साइकी, और वो जो अपबीट मूड होता है वो धीरे 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 फिर थक भी जाते हैं बच्चे, कुछ नाश्ता करके ठीक से नहीं आते हैं, नॉट ऑल चिल्ड्रन एक्सरसाइज, तो उन सब चीजों का असर भी धीरे धीरे पोस्चर पे दिखने लगता है. इसमें मुझे एक याद आता है कि एक स्टूडेंट मेरे पास क्लास 7th का आया था, एंड ही वॉज कंप्लेनिंग कि उसको इतना ज्यादा नेक में पेन होता है, उसकी स्पाइन में पेन होता है. तो उसने जब डायग्नोज करवाया तो पता चला इतनी छोटी एज में उसको इसकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना पॉस्चर कैसे रखते हैं, नॉट ओनली इन एग्जाम बट डेली वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, अपना पॉस्चर सीधा रखे, वरना इतनी छोटी अगर एज में इनको ये डिजीज हो जाए तो ये बहुत कंसर्न की बात है. जी संचिता, यहाँ पर आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, क्योंकि अब एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, एक्चुअल में दे डू लाइक कि वो स्ट्रेट हैं, फिर उसके बाद वो लेट जाते हैं डेस्क पे. सो उसके तो बच्चे यही करते हैं कि पहले ऐसे है, फिर ऐसे एंड देन लेट गए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पोस्चर सही रखें, एंड ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं सिर्फ ऐसे स्टिल, मतलब आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वैसे बैठना है, लेकिन बहुत ज्यादा झुक के नहीं बैठना है, क्योंकि आपके बॉडी का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो भी डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से. तो आप वो गैप्स लेके यू कैन ऑल्सो वॉक. आप बीच में जब आप बहुत टाइम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बीच में उठिए, थोड़ा अपने हाथ पैर चलाइए, यू मूव योर हैंड्स लाइक दिस. व्हेन यू फीलिंग स्ट्रेस देन यू कैन पिक अप सम बॉल, एंड आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पैरों की भी फिंगर्स को आप हिलाइए, बहुत जरूरी है. राइट, स्ट्रेच करिए, थोड़ा स्ट्रेच करके आइए, थोड़ा वॉक करिए, ये बहुत जरूरी है आपके बॉडी के ब्लड के फ्लो के लिए, और
इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्रेन में फ्लो बेटर जाता है, तो आपका आपकी मेमोरी और सब कुछ अच्छे से उससे इम्पैक्ट अच्छा होता है. राइट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, वो छोटी सी चीज़ है पर अक्सर हम स्लिप कर जाते हैं एंड इट ग्रेजुअली हैज अ लार्ज इम्पैक्ट. अपनी स्टडी टेबल पे कभी 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 मत सोइए. जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं पावर नैप ले लेते हैं 3 मिनट का, बट देन यू आर पुटिंग इन टू योर ब्रेन द आइडिया दैट द स्टडी टेबल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्लीपिंग पर्पसेस, राइट? एंड दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन. एंड आप यू नो जब स्लगिश होने लगते हैं तो आपके पास आपको वो एज वन ऑप्शन दिखता है. आपको लगता है थोड़ा लेट के लिख लेता हूँ. कुछ बच्चों को देखा है एक हाथ स्ट्रेट कर लेते हैं और स्टडी टेबल पे सर साइड में रख लिया और लिखते भी जा रहे हैं और आधा लेटे भी हुए. सो ये सारी प्रैक्टिसेस यू शुड नॉट डू, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग वन प्लेस फॉर मल्टीपल पर्पसेस द ब्रेन समहाउ कोड्स इट कि इसमें ये काम भी हो सकते हैं और वो कोडिंग अनकॉन्शियसली आपके फिजियोलॉजी पे इम्पैक्ट करने लगती है. राइट, तो अगर संचिता देखा जाए तो बच्चों को उस मोमेंट में पता चलने लगता है कि दे आर फीलिंग लेजी, अब वो सोने वाले हैं, उनको पता होता है, मतलब हमें भी खुद पता होता है, तो उस मोमेंट पे जब उनको पता चल गया तो उस पॉइंट पे वो क्या कर सकते हैं? उस पॉइंट पे आप उठ जाइए, यू गेट अप एंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन हॉल में है बच्चा, हॉल में है, तो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है देन दे कैन यू नो they can put like this, okay. remind themselves, yeah, remind themselves that where I am and you know I have to write, okay, and they have to be well very alert that I actually जब वो examination center में है तो उन्हें अपने आप अपना time को भी बहुत track करने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमारे पास एक particular time होता है, एक particular number of words में हमें answer लिखना है, so they have to be very alert कि कितना time गुजर गया है, मेरे पास कितने questions बचे हैं अभी करने के लिए, तो you have to be very alert. अगर आप sleepy feel कर रहे हैं then you can you know you can hit like you can snap on your hand ऐसे कर सकते हैं, या आप एकदम से आप अपने आप को बोलिए कि नहीं I have to do it. You know, you say yourself. So basically, हम command दे रहे हैं brain को. You have to be active. Right, right. So you assertively say to yourself, "No, I have to do it. I have so many questions. I have time going on, and I have to do it." Right. Then your so the way you say to yourself is how your mind start processing. Right. So that and I would like to suggest that पानी पीना is the best option. Just have a sip or two of water. That kind of you know. पूरे सिस्टम को एकदम से इग्नाइट कर देता है. दूसरे एग्जाम से पहले इन द मॉर्निंग डोंट हैव अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, डोंट बी एम्प्टी स्टमक बट डोंट ईट एज इफ देयर इज नो टुमारो, एंड एग्जाम से पहले दिन में एटलीस्ट गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप. आपके दिमाग में कितना भी इंफॉर्मेशन हो पर अगर दिमाग उसको प्रोसेस करने की ही स्थिति में नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में चार्ज ही नहीं है तो आप उसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. ठीक उसी तरीके से अगर आपका दिमाग रेस्टेड नहीं है, चार्ज्ड नहीं है, तो आप उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे. इसलिए बहुत जरूरी है रेस्ट योरसेल्फ वेल, ईट इनफ एंड नॉट टू मच बिफोर द एग्जाम, कीप टेकिंग स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर. और भी लोग होते हैं, कुछ आप अपनी फेवरेट टॉफी रख सकते हैं बॉक्स में, दे आर अलाउड समटाइम्स, इलायची या लौंग रख सकते हैं बॉक्स में. बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो रही है या नींद की फीलिंग हो रही है या लग रहा है दिमाग इज नॉट फंक्शनिंग, जस्ट पुट अ स्मॉल पीस इन योर माउथ एंड इट डज रिफ्रेश यू अ लिटिल बिट. दिस आर स्मॉल टेक्निक्स वन कैन यूज. आई होप ये टेक्निक्स या ट्रिक्स बच्चों को बहुत मदद करेगी एग्जामिनेशन हॉल में. और इसी के साथ अगला प्रश्न है गगन जी का, क्या होगा अगर वो हॉल टिकट भूल जाएंगे? These are the worst nightmares. Everybody has them, but believe me, कोई भूलता नहीं है. You will never forget it. But still, to be on the safe side, I mean, you make a photocopy and always keep it in your pencil box. Please never take it out till the examination is over. Right. अगला प्रश्न है मृणाल जी का. उनका प्रश्न है कि उनको एग्जाम के टाइम पे कुछ ना कुछ याद आता है, इट्स देयर बट ही इज नॉट एबल टू फेच इट. तो ऐसे केस में क्या करें? सुनीला जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये एक ऐसा फिनोमेना है जो स्लिप ऑफ द टंग टाइप का फिनोमेना है जिसमें कि वो उनको याद आता रहता है बट दे आर नॉट एबल टू रिकॉल इट. इसके लिए सीबीएसई ने इन लोगों को 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया है. अगर उन्हें वो क्वेश्चन जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें उनको बड़ा अच्छे से अपना डेवलप करना है आंसर,
तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे सिर्फ मैथ्स के पेपर में ही रफ कॉलम बनाते हैं, जबकि हर सब्जेक्ट में वो एक कॉलम या स्पेस ऐसी रख सकते हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स वो नोट डाउन कर सकते हैं. तो अगर वो इस तरीके से शुरू के 15 मिनट्स में अपने मेन पॉइंट्स लिख देंगे तो मैं ये समझती हूँ कि शायद वो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो लिख के नोट करके रखें. सॉरी कट यू शॉर्ट, ये फिनोमिनन अक्सर शुरू में होता है, जब हम एग्जाम पेपर खोल के देखते हैं तब लगता है. थोड़ी थोड़ी हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा जवाब याद आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का पूरा नहीं याद आता है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी एज स्टूडेंट्स चूज कि कौन सा क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड. यू ऑलवेज अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूरी तरीके से याद आ जाता है, एंड द अदर्स यू कीप अप एज बैक ऑप्शंस. बट एज मैम जस्ट सजेस्टेड, आपने जिनको बैक ऑप्शंस के, एक बार आपके दिमाग का प्रोसेसर चला ना और आपने पहला क्वेश्चन आंसर किया, चांसेस आर 99.9% कि बाकी इन्फॉर्मेशन विल बी रिट्रीव, रिकॉल हो जाएगी. बट सिंस यू आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू आर एंशियस दैट यू माइट फॉरगेट दिस लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट जस्ट केम और जस्ट डॉन्ड अपॉन यू, मैम ने बोला आप कॉलम बनाइए, उस पर छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए. कभी कभी ये होता है हमें सब चीज सब याद आ गई, लेकिन फिर लास्ट में आके समय कम रहने के कारण वो जो सब याद था वो तब भूल गया. इन दैट केस ऑल्सो द स्ट्रेटेजी सजेस्टेड इज हेल्पफुल. आप स्पेशली फॉर 6 मार्कर्स, यस, आप जो है पहले अपने क्वेश्चंस चूज कीजिए, हर क्वेश्चन का एक छोटा छोटा पॉइंटर्स बना के एक पेज में सेव कर लीजिए. दे विल हेल्प यू, जैसे सड़क पे नहीं निशान होते हैं, टर्न राइट टर्न लेफ्ट, ये रास्ता इधर जाता है ये इधर जाता है, इन द सेम वे दीज आर सजेस्टिंग. इनको हम लोग टेक्निकल टर्म में निमोनिक्स बोलते हैं. दीज आर स्मॉल इंडिकेटर्स दैट ट्रिगर योर ब्रेन एंड ऑल द मेमोरी और ऑल द इन्फॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड. सो मेक दिस. अगर आपके भी एग्जाम से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं तो आप हमारे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कॉमेंट कर भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं. और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है नेहा जी का, विच योगा इज बेस्ट फॉर कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. योगा बहुत टाइप के हैं. योगा एंड मेडिटेशन की बात, इससे पहले कि आप आगे संचिता बताएं, यहाँ पे कुछ कलेक्टिवली आई विल आस्क यू क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है. अमायरा जी ने भी यही प्रश्न पूछा है और प्रियंका जी ने, किस तरीके की योगा या मेडिटेशन एक्टिविटी दे शुड डू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन हॉल. या सो आई विल टॉक अबाउट सहज योग मेडिटेशन, जो कि एक टाइप का मेडिटेशन है जो कि कुंडलनी मेडिटेशन है, जिसमें 7 चक्रास की बात होती है. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन पुट योर बोथ द हैंड्स ऑन योर लैप, आराम से बैठिए आप, एंड देन यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, या सो यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड यू क्लोज योर आईज and then you can say, I am a pure spirit, I am not this mind, I am not this brain, O divine, I am a pure spirit. From all your heart you can say, O divine, I am a pure spirit. Then you can say, O divine, I am not guilty. I am not guilty for my past and for my future. Then you can say, O divine, I forgive everyone and I forgive myself also. Then you can put this right hand at the top of your head. And you can say, O Divine, please make me silent. Please give me my self-realization. Please make me thoughtless. Please remove all the thoughts and give me my self-realization. O Divine, please give me my self-realization. And then you can put your hand back. This is a very small technique that you can do for 5 minutes. Mm-hmm. It's very simple. In the examination also you can do. And it will relax you. And if you want to know more about it, you can log on to www.sahajyog.org. Mm-hmm. It's one of the technique of meditation that you can do.
and practice it, you will be more calm and peaceful. Right. Very sagacious advice by Miss Sanchita. और अगर मैं बात करूँ सुनीला जी, बच्चे नर्वस हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल, मतलब उनको आता है सब कुछ, दे वर डूइंग कम्प्लीटली फाइन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, लेकिन जैसे ही डेस्क पर बैठे वो नर्वस हो जाते हैं, दे स्टार्ट शिवरिंग. अगर इस केस में अगर बात करें तो अगर कुछ प्रैक्टिस हो, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगिक एक्टिविटी हो, आप बता पाएं? हाँ, इसके लिए मैं आप एक दो टेक्निक्स बता देती हूँ. एक है पर्स लिप्स ब्रीदिंग. जी, पर्स लिप ब्रीदिंग में क्या होता है कि यू मेक अ विसलिंग साउंड फ्रॉम योर लिप्स एंड यू जस्ट ब्रीद इन एकदम जैसे विसलिंग का स्टाइल होता है, उसमें आप एक सेकेंड्स तक के लिए वो साउंड आएगी. बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके आसपास के स्टूडेंट्स को थोड़ा डिस्टर्ब ना हो. ये आप एट सेकेंड्स के लिए दो कुछ बार कर सकते हैं, या फिर एक कोहेरेंट ब्रीदिंग होती है जिसमें यू कैन काउंट इन योर माइंड लाइक 1 2 3 4 5 इन योर माइंड. यू कैन काउंट इनहेल एंड देन 1 2 3 4 5 देन एक्सहेल. उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसमें आप अपनी दोनों फिंगर्स नोज के आसपास रख के लेफ्ट को आप जब क्लोज करेंगे तो आप इनहेल कर लेंगे राइट से लॉन्ग ब्रीदिंग और देन यू विल यूज द अनदर फिंगर देन एक्सहेल फ्रॉम द अदर साइड. दीज आर द वेरी सिंपल टेक्निक्स. अगर बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं, मे बी कभी डिजी भी फील करने लग जाते हैं बच्चे, तो डेफिनेटली उनको ये करनी चाहिए. जी, और अगर बात करें, काफी बच्चों ने पूछा है क्या च्युइंगम या किसी भी तरीके की टॉफी उनको चीजें याद करने में मदद करती हैं, जैसे सन्मुख जी ने पूछा है और प्रिया जी ने. यस डॉक्टर रुचि, च्युइंगम, दीज आर यू नो ट्रिक्स दैट चिल्ड्रन डिस्कस अमंग देमसेल्व्स. दे आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइंटिफिक बेसिस फॉर दैट. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर च्युइंग समथिंग तो आप इन अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस रहते हो. जी, और क्योंकि आप स्टेट ऑफ अलर्टनेस में होते हो इसलिए आपकी मेमोराइजेशन शायद बेटर होती है, एंड बाय च्युइंग द गम आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होता रहता है. सो या बाय दैट लॉजिक थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, बट टेक्निकली तो ऐसा नहीं कह सकते. राइट, आपकी अगर आपको मेमोरी इम्प्रूव करनी है, लर्निंग इम्प्रूव करनी है, जी, राइट व्हाट यू लर्न, राइट इट डाउन आफ्टर लर्निंग, जस्ट टेक अ प्लेन पेज एंड राइट इट डाउन एंड देन सी हाउ मच यू हैव बी एबल टू रिकॉल. राइट, दूसरे को सुना भी सकते हैं जो याद किया उसको. जी, एंड दीज टेक्निक्स ऑफ रेपिटिशन, राइटिंग, री राइटिंग, दे हेल्प यू मेक स्ट्रॉन्गर ट्रेसेस, मेमोरी ट्रेसेस. बिकॉज आपने एक चीज को याद किया, फिर बोल के अगर याद किया तो आपकी एक ऑडिटरी ट्रेस भी बन गया. अगर आपने लिख के याद किया तो आपका एक विजुअल ट्रेस भी बन गया. सो आपके जितने मल्टीपल ट्रेसेस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी होगा. सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स हेल्प. मिस सुनीला, आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूंगी ओमान जी का, व्हाट इफ आई डू बैडली इन बोर्ड एग्जाम्स, ये उनका प्रश्न है. देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारी सीबीएसई की चेयरपर्सन जो कि बहुत एक्टिव हैं, बच्चों को बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं, उन्होंने अभी एक बच्चों को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे लिए मैथ्स ऐसा था जैसे एलिस इन वंडरलैंड. मैं बहुत उनको थैंक्स करना चाहूंगी कि इतने ओपन होकर उन्होंने बच्चों के सामने अपनी फीलिंग्स रखी हैं. मैं एक कोर्ट में बिलीव करती हूँ, देयर इज नथिंग. कम बैक टू यू मिस सुनीला, वी हैव गॉट अ कॉलर ऑनलाइन. यस प्लीज, नमस्कार, अपना नाम बताएं. अपना नाम बताएं. सुनाशा. जी सुनाशा, आप कौन सी क्लास में हैं? टेंथ क्लास. अपना क्वेश्चन बताएं. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन पेपर आया, पिछले बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आया एंड मेरे सामने ब्रांच इससे एंड आई डोंट रिमेंबर एनी आंसर. मेरे को कुछ भी नहीं याद आ रहा, बट आफ्टर एग्जामिनेशन मैंने जब पास जी, तो जैसे कि सुनाशी जी का प्रश्न है, सोनाक्षी जी का प्रश्न है, टेंथ क्लास में है, कि एग्जाम में तो वो ब्लैंक हो गए लेकिन जब बाद में उन्होंने क्वेश्चन देखा तो शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग. ये अक्सर हो जाता है और नॉर्मल है, बट ये दिस इज अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ योर एंग्जाइटी. और जब हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं ना, हमें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बोलते हैं. वी हैव परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, हमको लगता है हम अच्छा कर पाएंगे, हमने जितना पढ़ा वो सब याद आ जाएगा. जब आप ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं. जी. तो इसलिए एग्जाम से पहले
अपने आप को कूल डाउन करें, डीप ब्रीदिंग के थ्रू कूल डाउन करें. अच्छा म्यूजिक अगर सुनना पसंद करते हैं तो सुबह जितने टाइम आप तैयार हो रहे हैं उतने टाइम उसको लगा के रखें, सो दैट यू आर काम एंड क्वाइट. हम लोग क्या एक प्रथा होती थी चीनी दही खिलाने की जी. उसके साइंटिफिक बेसिस में जाइए, दही आपको ठंडा रखता है, चीनी आपको बड़ी सारी एनर्जी देती है. सो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन गिव्स यू दैट गुड मूड टू यू नो अपीयर इन समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो बेसिकली यू हैव टू बी काम एंड हाई ऑन एनर्जी. तो ऐसी चीजें करिए उस सुबह और उसके पहले वाली शाम को जो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस दे, जो आपको काम करे और आपकी एनर्जी लेवल को हाई रखे. जी, एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी सोनाक्षी के लिए कि वो एक तो अपने स्कूल के काउंसलर से मिले, उनके साथ बात करके थोड़ा लाइट फील करें और साथ ही में नेक्स्ट एग्जाम से पहले अपने मॉक टेस्ट देती रहें ताकि उनको एक आइडिया बन जाए कि एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसी एंग्जाइटी होती है. रेगुलर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें. राइट सुनीता जी, एंड यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ओमान्स क्वेश्चन, व्हाट इफ आई डू बैडली. तो ये मैंने बोला, मैं यही कह रही थी कि मेरा एक फेवरेट कोट है कि देयर इज नथिंग बट अ ब्राइट फ्यूचर. मतलब हम बहुत सालों से अपने स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं कि जो बच्चे कभी कभी नहीं भी एग्जाम में अच्छे कर पाए, लेकिन जब वो हमें दोबारा से मिलने आते हैं तो बताते हैं अभी हम होटल मैनेजमेंट में हैं मैम, हम ये कर रहे हैं, हम ये, मतलब ये हो सकता है कि अभी बच्चों को ये लगे कि हम इस बार अच्छा नहीं कर पाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन है, उसे जरूर मिलेगी, दिस आई अश्योर यू. और ये भी जानना बच्चों का जरूरी है कि योर मार्क्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर सक्सेस. राइट, ये जरूरी नहीं है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं. right. और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम इज जस्ट अ प्रोसेस, इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. राइट, आप जब एग्जामिनेशन देते हैं तो आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, कि हम कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत टेम्पटेशन देती है उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये एक लाइफ स्किल है जो आप सीखते हैं एग्जाम देकर. राइट, तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. अभिषेक कुमार पांडे. जी अभिषेक, आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 12 में. अपना क्वेश्चन बताएं. मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत सारी चीजें वही साथ पढ़ता हूं और एग्जाम में लिखने जाता हूं तो वो चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, कंसंट्रेशन सही नहीं हो पाता है. जी अभिषेक जी, जो कि क्लास 12 में हैं, बहुत सारी चीजें जब पढ़ते हैं तो वो मिक्सअप हो जाती हैं और वही एग्जाम में उनको प्रॉब्लम कर रही है. उनके सवाल में ही जवाब है. वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं. तो अभिषेक जी, बहुत सारी चीजें एक साथ मत पढ़िए, एक प्लान के हिसाब से पढ़िए, थोड़े गैप्स के साथ पढ़िए और उसके नोट्स जरूर बनाइए, साइड नोट्स जरूर बनाइए, लिख के याद कीजिए. जितना आप लिख के याद करेंगे उतना ये मिक्सिंग का काम कम होता है. और ये मत करिए कि अभी साइंस पढ़ा और विदाउट टेकिंग अ ब्रेक आपने निकाला और आप यू नो केमिस्ट्री पढ़ने लगे या फिजिक्स के बाद जस्ट केमिस्ट्री रिपीट कर दिया, बायो रिपीट कर दिया. थोड़ा सा ना एक टफ चीज लीजिए, एक थोड़ी लाइट चीज लीजिए. माइंड का एग्जॉशन कम होता है. माइंड का एग्जॉशन जितना कम होगा आपकी कोडिंग उतनी बेटर होगी, आपकी मेमोरी ट्रेसेस उतने अच्छे बनेंगे. क्योंकि एग्जॉस्टेड माइंड में फिर वो थका हुआ आदमी कैसे काम करेगा, आप सोचिए वैसे ही होगा. तो डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वन स्ट्रीक, ट्राई एंड फेस देम आउट. एंड कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे कीजिए कि एक थोड़ा टफ, एक थोड़ा हल्का, फिर एक थोड़ा टफ, फिर एक थोड़ा हल्का, तो आप मैनेज कर पाएंगे. जी संचिता, यहाँ पे हमें बच्चों की काफी रिक्वेस्ट चाहिए कि आपने जो मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें दिखाई अगर आप वो हिंदी में उनको बता पाए. हाँ, तो पहले तो मैंने जैसे बताया कि 7 चक्रास है हमारे, तो सहज योग मेडिटेशन, तो हम जब अपना पहला राइट हैंड जो है वो अपने दिल, हमारा हार्ट चक्र होता है, से हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा. तो हम अपना राइट हैंड अपने दिल पे रख सकते हैं और अपनी आंखें बंद करेंगे जैसे मैंने इंग्लिश में भी बताया था. और आप बोलिए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये मन, विचार, बुद्धि कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ. मैं एक केवल शुद्ध आत्मा हूँ. फिर हम बोलेंगे, मैं निर्दोष हूँ. पूरे दिल से हम अपने अंदर बोलेंगे, मैं निर्दोष हूँ.
मैं दोषी नहीं हूं। फिर हम बोलेंगे, मैंने सबको क्षमा किया और मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया और मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। फिर हम अपना सीधा हाथ अपने सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे और हम बोलेंगे, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे कुंडलनी शक्ति, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हम पूरे दिल से बोलेंगे, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मेरे सारे विचारों को बंद कर दीजिए और मुझे निर्विचारिता दीजिए। फिर हम ये अपना हाथ अपने लैप पे ले आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे। जी, दैट वाज वंडरफुल। और इसी के साथ हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में क्वेश्चन मिले हैं काफ़ी सारे व्यूअर्स के। सबसे पहले प्रश्न लेना चाहूँगी आर्यन उत्कर्ष जी का, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक्स? सो डॉक्टर रुचि, दीज आर क्वेश्चंस आई डोंट थिंक इनका जवाब कोई भी दे सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो कितना भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो आपको समझ में आएगा। और यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने पढ़ाई लास्ट मोमेंट में की है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को कम से कम 3 बार रिवाइज कीजिए, लिख के रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के काम कीजिए, एंड देन यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रमन है। जी रमन, आप कौन सी क्लास में हैं? मैम 12। जी, अपना प्रश्न बताएं। मेरा नाम संजीता है, मैं 10th तक एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन अभी तो ये सवाल संचिता जी के लिए था। हमें रमन पोलकी जी का प्रश्न हमारी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग से भी मिला है। उनका क्वेश्चन ये है कि ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेस बिकॉज ऑफ अ गर्ल एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस फॉर द एग्जाम, सो प्लीज हेल्प, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। मैं समझ सकती हूँ कि हम ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा मेंटल बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी आपको ये ज़रूरी है देखना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। हमें जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि हमें अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि हमारे अभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम, सब कुछ ज़रूरी है लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे हमारी पढ़ाई है एंड करियर है, क्योंकि ये टाइम अगर चला जाएगा तो थोड़ा आना मुश्किल है। तो ये ज़रूरी है कि आप देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और जब आप सोचेंगे अपने करियर के बारे में और ये सोचेंगे कि मुझे क्यों अच्छा करना है, जब आप ये सोचेंगे कि क्यों ज़रूरी है पढ़ना और मैं क्यों अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, जब आपके पास गोल होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे और ऐसी चीज़ों को हटाने की कोशिश करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। जी, तो आई थिंक डॉक्टर रुचि आप कुछ ऐड करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आई कैन अंडरस्टैंड हिज हर्ट, कि जब कोई रिलेशनशिप फेल होती है चाहे वो किसी भी लेवल की हो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल हर्ट एंड वैक्यूम। एंड सिंस इमोशंस की बात होती है, कई बार हम कुछ लोगों से ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं। जी, जिनके साथ वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क देम कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हो सकता था, कुछ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनआंसर्ड। बट आप कभी इस तरीके से भी सोच के देखिए कि जिंदगी में वो एक व्यक्ति सिर्फ नहीं था जिससे आपका रिलेशनशिप था या जहाँ पे आपको प्यार की उम्मीद थी। जीवन में और बहुत व्यक्ति हैं जो अनकंडीशनली बिना अपने आप को एसर्टेन किए आपको सहज ही बाय नेचर और बाय गिफ्ट मिल गए हैं। तो क्या ये हक या ये सही होगा कि वो एक व्यक्ति के लिए आप उन सारे व्यक्तियों के
जो आपसे आशाएं हैं, जो आपके से जुड़े हुए उनके इमोशंस हैं, आप उन्हें हर्ट करें. और इनमें सबसे पहला रिश्ता आपका खुद से है. जो स्वयं से अपना रिश्ता होता है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कभी भी जीवन में किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि आपके जीवन को वो नष्ट करे. और यदि ऐसा हो रहा है तो वो रिश्ता फलदायी नहीं है आपके लिए. और अगर वो फलदायी नहीं है तो ऐसे पेड़ को जी पानी डालने की जरूरत नहीं है. सो प्लीज उसे सींचिए मत, उसे धीरे धीरे एक नॉर्मल ऑटोमेटिक नेचुरल डेथ जी में कोई नुकसान नहीं है. अपने प्रति अपना रिस्पेक्ट बना के रखिए और अपने भविष्य के लिए अपना जो दायित्व है उसको समझ के आगे बढ़िए. चलिए इसी के साथ प्रश्न लेती हूँ मैं. जैस्मिन जी का प्रश्न है, क्लास 10th में है, हाउ कैन आई स्टडी स्मार्ट फॉर 10th क्लास. स्टडी स्मार्ट फॉर 10th क्लास, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी स्मार्ट ओनली फॉर क्लास 10th? अगर आप क्लास 9, 8, 7, 6, 5 तक में स्मार्ट स्टडी करेंगे तो 10th में तो कोई टेंशन ही नहीं होनी है. और तब आप पढ़ने का सलीका सीख जाएंगे, तरीका सीख जाएंगे, ट्रिक सीख जाएंगे, तो आपको जीवन पर्यंत पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. right. तरीका सिर्फ ये है कि आप पहले अपने आप को समझिए कि आपको किस पद्धति से ज्यादा समझ आता है, किस तरीके से आप ज्यादा याद रख पाती हैं, और जीवन में आपको क्या चाहिए और उस चाह को पूरे करने का रास्ता कहाँ से जाता है. जी. जब इतने सारी चीजें आपको पता चल जाएंगे, बाकी रास्ते छोटे छोटे हैं, वो अपने आप निकल आएंगे. जी सुनीला जी, मैं आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी. बेसिकली आई रीड अप वन क्वेश्चन. गौरव जी का प्रश्न है, ड्यूरिंग अ टेस्ट आई ऑफन स्टम्बल अपॉन वन क्वेश्चन दैट आई कांट आंसर, एंड वो एक ही क्वेश्चन जो है जो उनको नहीं आ रहा है उसकी वजह से वो वरीड हो जाते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन को वो बिल्कुल खराब कर देते हैं. ये उनका क्वेश्चन है. तो इसके लिए तो ये बहुत जाहिर सी चीज है कि अगर उनको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए अगर वो टू मार्क का क्वेश्चन है तो वो कम से कम 5 to 6 लाइन छोड़ सकते हैं. अगर 3 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 10-15 लाइन्स छोड़ के ही और शी कैन मूव ऑन, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 आवर्स के अंदर हर क्वेश्चन के लिए बड़ा लिमिटेड टाइम है, तो बजाय इसके कि एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करें, उन्हें आगे मूव ऑन करना चाहिए स्पेस छोड़ के. जी. और इसी के साथ एक और अगला प्रश्न है रजनी गुप्ता जी का, हाउ टू मेंटेन प्रिजर्वरेंस. परसीवरेंस इज अ वर्च्यू. और जैसे आगे के सवाल भी थे पुराने कि अगर एक बार फेल हो जाए तो क्या करें, या अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें. परसीवरेंस इज द आंसर, बिकॉज एक एग्जाम है आपकी 10वीं का या 12वीं का, पर मानिए मेरी बात, आप हर रोज एक इम्तहान देते हैं और आप अच्छे से पास भी होते हैं उसमें. और वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप में परसीवरेंस होती है. परसीवरेंस की अंडरलाइन मीनिंग ये होती है कि आप अपनी गलतियों से सीखते रहिए, अपने आप को समझते रहिए और चैलेंज पे कभी गिव अप मत करिए. उस समझ और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ निरंतर प्रयास करते रहिए, और जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो चांसेस आर हाई कि आपको सक्सेस सूनर और लेटर मिलेगी ही. और इस परसीवरेंस को मेंटेन करने के लिए आपको मोटिवेटेड होना है, और ये मोटिवेशन कहीं आपको बाहर से मिलेगा तो वो आता जाता रहेगा, जब आप उसे अंदर से लाएंगे तो आपके पास वो रिसोर्स ताउम्र रहेगा. सो क्रिएट एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन साइकिल जहां आप स्वयं से अपने आप को प्रेरित कर पाए कि मुझे ये करना है, ये मुझे चाहिए है कम वॉट में. जब आप इस मनोभाव से आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें अपने आप आसान होती जाती है. मिस सुनीला, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैम ने कहा? यस, इसमें परसीवरेंस के लिए ये है कि हमें हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए खुद को, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए. हम खुद बड़े ऑनेस्टली अपने आप को पता लगा लेते हैं कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. अभी हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा टेस्ट नेक्स्ट वीक आ रहा है, बट हम उसमें सोच रहे हैं कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे. तो ये हम खुद को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और परफॉर्म करते रहें. और जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें खुद को रीइंफोर्स भी करना है. हम ये समझ, हम अगर आज अपना रिजल्ट अच्छा लाए हैं तो हम बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि आज हमने अच्छा परफॉर्म किया है. तो रीइंफोर्समेंट आल्सो वी शुड गिव टू आवरसेल्व्स. तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. अपना नाम बताएं. मेरा नाम हरप्रीत सिंह है. जी हरप्रीत, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं बीए सेकंड ईयर में हूं. जी, अपना प्रश्न बताएं. मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि मेरा 25 फरवरी को एग्जाम है जी, तो मैं
रिवीजन कर रहा हूँ एग्जाम की जी। तो जैसे मैं बुक खोलता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन जैसे बुक बंद करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है जी। और जब मैं फ्री बैठा होता हूँ तो ऐसे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, उसमें उसका आंसर मैं जब सोचने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं आता, इसीलिए थोड़ा माइंड पे डिप्रेशन है जी। आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है हरप्रीत? जियोग्राफी जी। आप में से आंसर करना चाहेंगे कोई? हाँ, ये ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ देखा गया है कि ऐसा होता है कि आप खोला है तो हमें लग रहा है कि हमें आ रहा है और बंद कर दिया तो हमें याद नहीं है। यस। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप लिख के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। आप जैसे आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लिख के, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, बीए सेकंड ईयर में हैं आप, तो आपके पास्ट ईयर पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। और जब हम पढ़ते हैं तो तीन लेवल में हम पढ़ते हैं। जब पहली बार हम पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि टॉपिक किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड लेवल पे हम जब समझते हैं तो हम उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाने लग जाते हैं उस टॉपिक के बारे में। एंड थर्ड लेवल में जब हम बात करते हैं तब हमें उसके एप्लीकेशंस समझ आने लग जाते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ के समझिए कि उसका क्या मतलब निकल रहा है। जब आप, और आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, आप उसको अपने आप को हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने आप को समझाइए कि इसका मतलब क्या निकला। या आप किसी और को समझा सकते हैं, कि अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को, कि मैंने ये पढ़ा है और मैं ये टॉपिक तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब आप समझाएंगे किसी और को तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे याद नहीं आ रहा है जी। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम बार बार बोल के रिवाइज करते हैं तो उसे मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं, लेकिन जब हम लिख के उसको, उसके साथ कोई एक्रोनिम जोड़ के, कोई फ्लो चार्ट बना के, उसका मीनिंग समझ के जब हम उसे याद करते हैं तो वो डेफिनेटली याद रहेगा, जिसे हम बोलते हैं इलेबोरेट रिहर्सल। तो उन्हें पुराने पास्ट 10 ईयर्स के पहले सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स पढ़ें, उसके बाद अनसॉल्व पेपर को अटेम्प्ट करें, फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझे आता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आयुष अमन जी का। टीचर्स जनरली टीचर्स विद गाइड बुक्स, नॉट एनसीईआरटी बुक्स, सो कैन आई स्कोर गुड मार्क्स इन 12th विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स? डॉक्टर रुचि, नॉट पॉसिबल। आप ये समझिए कि आप किसी चीज के सोर्स पे नहीं जाएंगे तो आपकी समझ कहाँ तक अच्छी बन पाएगी। और जब आप किसी चीज को लेवल 1 से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उसके शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपको आगे समझने और उस चीज़ को अपने शब्दों में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। राइट। और गाइड बुक्स के साथ कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड या मिसरिप्रेजेंट कर दिया गया तो आपका जो आंसर बनेगा उसके बेसिस पे वो गलती बनने वाला है। तो कभी भी सोर्स को, बेसिस को कमजोर मत रखिए। आपकी बेसिस एनसीईआरटी बुक्स अगर हैं तो फिर गो टू द सोर्स एंड स्टडी दैट बुक। And NCERT textbook are obviously very well researched, very well edited. So the possibility of anything that is wrongly informed is very very minimal. कभी printing error हो जाए, typing error हो जाए तो बात अलग है, वरना generally they are very safe basis and very authentic basis. So never miss that. आप सही चीज कीजिए, बाकी लोग अगर गलत करते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। संचिता, यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। गोमती जी का प्रश्न है, जो कि एक मदर हैं। माय चिल्ड्रन आर इन 10th एंड 12th, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आई शुड प्रोवाइड देम टू नॉट लेट देम फील स्ट्रेस्ड? सबसे पहले मैंने बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि एक मदर का क्वेश्चन आया है पहली बार हमारे सेशंस में। आप इतने सेंसिटिव ऑलरेडी हैं इस बारे में, आपको ये ध्यान देना है कि आप कैसा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चाइल्ड को। आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, क्या उसके कोई बिहेवियर चेंजेस आपको लग रहे हैं जो वो पहले नहीं करता था लेकिन अभी कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, वो ज़्यादा सोने लग गया या वो कम सो रहा है या उसकी एपेटाइट कम हुई है, ये कुछ बिहेवियरल एंड ईटिंग हैबिट्स एंड ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की मेंटल स्टेट अभी ठीक चल रही है या नहीं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जानबूझ के नहीं, लेकिन कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि तुम्हारे ब्रदर ने तो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे। तो ये कंपैरिजन जो है वो आप थोड़ा
कोशिश कर सकते हैं कि कहीं आप गलती से ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, या हम कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं विच इज़ वेरी नेचुरल क्योंकि हमारा बच्चा है, उसका करियर है, लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपनी एंग्शियसनेस कहीं गलती से बच्चे में तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आई एम श्योर कि और उसे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और पेरेंट्स जनरली बोलते हैं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, लेकिन वी नेवर प्रिपेयर द चाइल्ड इफ अगर अच्छा नहीं हुआ। तो आप ये बोलिए कि अपने बच्चे से कि अगर नहीं भी आए तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। जी, तो इस पे थोड़ा सा ऐड करूंगी, आई नो टाइम इज रनिंग आउट, बट जस्ट टू ऐड, एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी ये बनती है कि आप उनके खाने पे वॉच कीजिए, उनकी स्लीपिंग पे वॉच कीजिए, उनके जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात हुई उन पे वॉच कीजिए, गिव देम वेरी हेल्दी फूड, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, गिव देम फूड दैट इज हाई ऑन एनर्जी, मजाक में भी कभी ऐसी बात मत बोलिए जो उसको चुप जाए, टॉक पॉजिटिव, शो लॉट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड, एंड एज आई सेड मैम ने बोला कि उसको प्रिपेयर करिए फॉर बोथ एंड्स, एंड यू कीप लेटिंग देम नो एवरी डे मॉर्निंग नून एंड नाइट कि कम व्हाट मे आई स्टिल लव यू, सो जस्ट कीप डूइंग दैट। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि मेडिटेशन प्रैक्टिस से, मेडिटेशनल प्रैक्टिस से हम कैसे एग्जाम स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं, और इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। अगर आपके और प्रश्न हैं, और भी सजेशंस हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर्स या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।